आज जम्मू कश्मीर के अंदर अगर हम देखें तो 370 या 35 ए से पहले रोज़गार की स्थिति अत्यंत ही भयावह देखने को मिलती थी और विकास के मौके सभी को नहीं मिलते थे। जम्मू कश्मीर के अंदर जिसे कहेंगे डिस्पैरिटी या इनइक्वालिटी एक चरम सीमा पर थी और जम्मू कश्मीर के अंदर जो आपका एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, सर्विसेज सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर, वो बड़ा ही कम देखने को मिलता था। तो 370 के ख़त्म होने पर मुझे लगता है कि जो डिस्पैरिटीज हमें देखने को मिलती थी रीजनल वाइज और जो इनइक्वालिटी देखने को मिलती है कि कुछ हैव्स हैं और कुछ हैव नॉट हैं, इसमें कमी ज़रूर आएगी। तो सभी प्रदेशों को जिस तरीके से बाहर मौके मिलते हैं उनके सभी रीजन इक्वली डेवलप होते हैं, तो जम्मू कश्मीर के अंदर भी हमारे सारे जिले, सारी तहसीलें एक साथ विकास करेंगी ऐसा मुझे लगता है। ये जो डिस्पैरिटी जो क्राइसिस था वो ख़त्म होगा, मौके लोगों को रोज़गार के वो अब मिलेंगे क्योंकि अब सरकारी नौकरी के साथ साथ उन्हें जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर, एक बड़े कॉरपोरेट सेक्टर के अंदर जो जिसे हम कहते हैं कि प्राइवेट फर्म्स जो हैं, यूनिट्स हैं, उनमें भी एक रोज़गार के मौके मिलेंगे, मुझे ऐसा भी लगता है 370 के बाद। और साथ ही साथ ये भी लगता है कि विकास जो है जम्मू कश्मीर का ओवरऑल वो होगा, हम लोग करप्शन के मामले में आगे नहीं होंगे। अब जब भी कोई लिस्ट बनेगी भारत के राज्यों की या यूनियन टेरिटरीज की, तो उसमें भारत का, भारत में उस लिस्ट के अंदर जम्मू कश्मीर का अग्रणी स्थान होगा ऐसा मुझे लगता है 370 के बाद, हटने के बाद।